हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी न्यू स्टाइल संबलपुरी साड़ी ड्रॉपिंग। जैसे कि आप सबको पता है, संबलपुरी साड़ी ड्रॉपिंग पार्ट वन पार्ट टू मैंने ऑलरेडी कर दिया है। वो वाला दो वीडियो आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो इस वीडियो में हम संबलपुरी साड़ी ड्रॉपिंग पार्ट थ्री सीखेंगे और ये वाला मुझे दोनों में से बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखिए मैं इसको कैसे ड्रॉप करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको साड़ी लेना है, संबलपुरी साड़ी। उसके बाद आपको एक धागे की ज़रूरत है और पैंट आप चाहे तो पहन सकते हैं और चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं। पर अगर हम डांस के लिए जा रहे हैं तो हमें हाफ और वन थर्ड पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉप करना सिखा रही हूँ, इसलिए मैंने फुल कैरी किया है। तो धागे को हमने बांध के उसको पैंट के अंदर ही डाल देना है और साड़ी को हमें फोल्ड कर देना है अपनी हाइट के हिसाब से। आप जितना तक रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से रख लीजिए और उसको धीरे धीरे करके पूरी साड़ी को ऐसे फोल्ड करना है। उसके बाद उसको कमर में डाल के ड्रॉप कर देना है। अगर आप सबको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल बटन है उसको ज़रूर हिट कर देना, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोस आप सबके लिए अपलोड करूं वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो देख लीजिए मैंने इसको कैसे घुमा के नॉर्मल हम जैसे आज यूजुअल साड़ी पहनते उसको उसी तरीके से कर देना है। अगर आप सब संबलपुरी साड़ी ड्रॉपिंग पार्ट वन पार्ट टू देखना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में वो सब दे दिया है, आपको मिल जाएगा और आप मेरे चैनल में जाके भी देख सकते हैं। तो देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको ड्रॉप कर दिया है और पूरी साड़ी को ही आपको ऐसी तरीके से फोल्ड करना है, नहीं तो बीच में आप करेंगे तो वो अच्छी तरीके से सेट नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम अपनी आंचल को लेंगे और उसको धीरे धीरे करके छोटे छोटे प्लेट्स कर देना है और अपने कंधे में डाल देना है। कंधे में हम जब भी डालेंगे आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, हम उसको घुमा के ऑपोजिट कमर पे लाएंगे ताकि वो कितना तक लंबा रहता है हम उसको माप सकें। देखिए अभी ये छोटा हो रहा है, हम उसको थोड़ा सा और लंबा करेंगे ताकि हम ऑपोजिट साइड में उसको थोड़ी सी लंबी रख सकते हैं और ज़्यादा अच्छा दिख सकता है। अगर आप सबने मुझे अभी तक इंस्टा में फॉलो नहीं किया है, उसमें मैं अच्छी अच्छी पोस्ट डालती रहती हूँ और कुछ कॉमेंट्स आप पूछना चाहते हैं क्वेश्चन वो भी पूछ सकते हैं। मैं इंस्टा पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ तो मुझे फॉलो कर दीजिए। और इंस्टाग्राम का यूजर आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अपने हो गया है तो सबसे पहले हम अपनी प्लेट्स करेंगे, जो हमारा कुंच होता है उसको देखिए। और सबसे पहला जो प्लेट्स है उसको हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, उसके बाद बाकी सारे हम जितने करेंगे वो छोटे छोटे रखेंगे, नहीं तो वो अच्छी तरीके से साइज़ नहीं हो पाएगा। और हाँ, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको संबलपुरी साड़ी ड्रॉपिंग पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपकी चॉइस क्या है और आपकी चॉइस के हिसाब से मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ जाऊँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको तीनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। तो देखिए अभी हो गया है, अब इसको हाथ से ही अपनी हाथों से ही सेट कर देना है बिल्कुल अच्छी तरीके से और टाइम लेके करना है, क्योंकि हम स्टेज में जाएंगे यार डांस करने के लिए, तो हर जो ऑडियंस वहाँ पे बैठा होगा वो हम सबको देखेंगे। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार भी होके जाना है और इसको हम अपनी कमर में टक कर देना है अपनी स्टोमक के पास, देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। तो हो गया अभी बिल्कुल रेडी, आप देख सकते हैं नीचे एक प्लेट से और ऊपर भी एक है, मैं आपको इशारे में करके दिखा रही हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा मुझे जब मैंने इसको ड्रॉप किया, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद हम अपनी आंचल को निकाल देना है और उसको अच्छी तरीके से सेट करना है, क्योंकि हमने अच्छी तरीके से उसको सेट नहीं किया है। देखिए बिल्कुल ऐसे से सेट कर देना है और छोटे छोटे करके प्लेट्स डालना है, बड़े बड़े करेंगे तो हमें डांस करने में ज़्यादा कम्फर्टेबल फील नहीं कराएगा। और आपको कोई भी डाउट रहता है ना कि आप नहीं समझ पा रहे हैं और कुछ नया जानना चाहते हैं और कुछ न्यू वीडियो में देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपकी रिक्वेस्ट में वीडियो ज़रूर लेके आती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी आंचल को दुपट्टा को सेट कर दिया है और बिल्कुल टाइट से ही किया है ताकि हम अपनी बॉडी के शेप के हिसाब से उसको पहन सकें। इसके बाद हमें एक पिन डालना है कंधे पे और डाल के उसको घुमा के लेके आना है ऑपोजिट साइड में, देखिए, और उसको थोड़ा थोड़ा सा स्लिम करना है, मतलब बिल्कुल थिन करना है। उसके बाद आप अपनी
कमर में अपोजिट साइड में पिन अप कर देंगे। पिन अप नहीं करेंगे क्योंकि जैसे कि आपको पता है हम डांस करेंगे तो सेफ्टी पिन खुल भी सकता है और कमर में चुभ भी सकता है। तो मैं क्या करी, इसको कमर में ही डाल दिया और बिल्कुल अच्छी तरीके से ये सेट हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ये जो हमारे साइड में ये झूल रहा है इसको हमें सेफ्टी पिन से पिनअप कर देना है ताकि ये आगे ना आ पाए डांस करते टाइम, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और न्यू वीडियो किस टॉपिक में चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं तब तक के लिए रहती हूँ, बाय बाय।